ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे लियो पीपल्स तो ये है अगस्त मंथ की रीडिंग आप लोगों के लिए और जो अगस्त मंथ की वन टू तो टेन मैंने रीडिंग करी थी वो काफी लोगों से रेजोनेट हुई थी और जो प्रिडिक्शंस थे वो भी काफी लोगों से मैच होकर के सही हुए थे तो इस बार जो अभी इस अगस्त मंथ के कुछ थोड़े से डेज लगे इनके लिए भी मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि आप लोग जो हैं इस वीडियो को देखें और इसकी जो भी प्रडिक्शंस हो जो भी आ, अच्छी प्रडिक्शन्स हो वो सच हो ठीक है और आप देख रहे हैं यहां पे मैंने एक शफल करके स्प्रेड लगाया हुआ है ये हम देखेंगे फाइनल आउटकम ऑफ दिस मंथ ठीक है और चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग आज का जोडिक रीडिंग हो रहा है फॉर अगस्त मंथ एंड फॉर लियो चलिए देख लेते हैं पहले दोनों कार्टोमेंसी एंसी कार्ड देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए यहां पर आया है टू फेसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ओके टू ऑफ क्लब्स एंड देन आया हमारे पास इमेच्योर ओके देन वॉट वी हैव नेक्स्ट वी हैव द टावर देन वी हैव द एम्प्र देन वी हैव एस ऑफ कप्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ एक एक कार्ड का मतलब उसके बाद है हमारे पास ओ माय गॉड ऑफ वी हैव माय गॉड सिक्स ऑफ सोच एंड देन वी हैव द डेवल क्या बात लियो ऐसा क्यों हो गया क्या हुआ ऐसा अच्छा सबसे पहले तो कल मेरे पास एक कमेंट आया था गाइस uh, मैं आपको पता है मैं रात को या फिर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूं थोड़ा तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता लग सके आप लोगों का फीडबैक क्या है और मोस्ट ऑफ ऑल मुझे पता लग सके कि आपको रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ठीक है तो मैंने कल एक कमेंट पढ़ा और नाम मुझे याद नहीं है उनका और उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आप हर दिन एक नई स्टोरी कहाँ से बना लेते हो आप थकते नहीं हो देट वॉज लाइक आई वॉज रियली वेरी शॉकड एट दैट मोमेंट कि उनको ये लगता है कि मैं कहानियां बना रही हूं फिर अंदर से एक आवाज आई कि इट्स ओके मे बी वो बहुत ज्यादा परेशान है फिर मैंने उनको यही मैसेज किया कि आप बहुत ज्यादा परेशान है इट्स ओके okay, सब ठीक हो जाएगा और लिटरली मैं बताऊं मैं ये चीज इसलिए आप लोगों को बता रही हूं मैं इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप लोग जाएं और उनको कुछ कहें क्या नहीं मैं मेरी जो कम्युनिटी है जो मेरी ये आ, ट्रिपल वन फैमिली है मैं इनको यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट आता है तो हमें उसका रिप्लाई नेगेटिव नहीं देना है हमें क्या करना है पॉजिटिवली उनको ट्रीट करना है क्यों क्योंकि वो इस वक्त बहुत परेशान है ठीक है अगर वो नेगेटिव है और हमने भी नेगेटिविटी के साथ में उनके साथ बात कर लेना तो ये गलत हो जाएगा ठीक है बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा इसलिए क्या करना है आपको आ, ये चीज ना मैं आपको एक दो वीडियोस में और बताने वाली हूं ताकि आप सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके क्योंकि ये तो जोडी क्रीडिंग है केवल लियो वाले ही देखेंगे ठीक है तो ये बात सब हमारी पूरी ट्रिपल वन कम्युनिटी को पता होनी चाहिए तो कोई भी नेगेटिव कमेंट आए तो उसको नेगेटिवली ट्रीट नहीं करना है लाइफ में भी ठीक है उसको पॉजिटिवली ट्रीट करना है सामने वाला पर्सन खुद सोचेगा कि हाँ शायद ये सही कह रहे हैं ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं लियो की रीडिंग लियो जैसा कि आ, काफी टाइम से मैं रीडिंग कर रही थी आप लोगों की एक अलग ही अरोमा आ रहा था मतलब एक अलग ही हैप्पीनेस आ रही थी लेकिन वो हैप्पीनेस इस बार नहीं है पता नहीं क्यों ऐसा पता नहीं क्या हो गया आ, इन कुछ दिनों में कि आप लोगों की एनर्जी इतनी ज्यादा शिफ्ट हो गई है इतनी ज्यादा मतलब कैन यू इमेजिन यहाँ पर द टावर मूवमेंट है ठीक है यहाँ पर टावर मूवमेंट है और यहाँ पर डेविल भी है सो आई एम रियली वेरी शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया बट हुआ है दबी तो काज आए हैं ठीक है तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से नाराज हूं क्यों क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव रहिएगा री जो होते हैं पॉजिटिविटी में ही आते हैं और हाई वाइब्रेशंस में ही होते हैं बट स्टिल आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और आप नेगेटिव हैं ठीक है और हो भी क्यों ना जब सिचुएशन बहुत खराब होती है तो चाहे कोई कितना ही बोल दे हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं लेकिन माय डियर मेरे क्यूट प्यारे एंजल्स अगर आप लोग इसी तरीके से नेगेटिव रहेंगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है ठीक है मैं फिर बता रही हूँ लियो के लिए जो अगस्त के कुछ थोड़े से मंथ रह गए ना इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हर वक्त नेगेटिविटी में रहेंगे ना तो ये चीज और ये चीज आप हर वक्त फेस करते रहेंगे ठीक है ये दो जो मेजर काज आया ना यहाँ पर ये यह आप फेस करते ही रहोगे अगर आप निकलोगे नहीं इन सब चीजों से तो ठीक है आ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा हो इस वजह से भी आप नेगेटिव हो ठीक है आ, कुछ वक्त के लिए आप नेगेटिव रहेंगे और फिर आप दोबारा से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बूस्टअप होंगे तो इस अगस्त मंथ में मुझे अब जो कुछ डेज रह गए इसमें मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं आपको आप चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो मेरे पास आए जो ये एस ऑफ कप्स है ना ये मेरे पास आए ठीक है लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि आप इसको लेना ही नहीं चाह रहे हैं ठीक है मैं फिर बोलू आपको आप इसको लेना ही नहीं चाह रहे हैं अब आप तो बोलोगे नहीं दी मैं तो अफर्मेशन भी करते हैं और आ, नहीं मैम इस तरीके से नहीं हम पॉजिटिव भी रहने की कोशिश कर रहे हैं डियर आप पॉजिटिव रह रहे हो नो डाउट ठीक है लेकिन आप डाउट्स में घिरे हुए हो तो फिर ये चीज कभी सही नहीं होगी ये चीज फिर नहीं हो पाएगी मैं फिर बोल रही हूँ ठीक है क्योंकि यहाँ पे डेवल का कार्ड भी है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के ऊपर कुछ ज्यादा ही आश्रित हो रहे हैं आश्रित इन सेंस बहुत ज्यादा ही डिपेंड हो रहे हैं और ये बहुत गलत बात है बहुत ज्यादा गलत बात है आप सेल्फ लव करना भूल रहे हैं लियो मैं फिर बोलूंगी ठीक है और आपके मन में हर वक्त उनका ही ख्याल होता है उनके बारे में आप सोचते रहते हैं कि कैसे मैं इस पर्सन को मनाऊं और कहीं लेके भाग जाऊं ठीक है ये गलत है ये गलत है ठीक है इस तरीके से बर्डन और इसी वजह से ना और फिर जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप बर्डन महसूस करते हैं। तो ये तो गलत है ना आप ही बताओ इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप आप देख रहे हो इसको एम्प्र को इसने नकली पैर लगाए हुए हैं और ये एक ऐसे तख्त पे बैठा हुआ है मतलब ये जो उसका सिंहासन है ठीक है ये ऐसे पे बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल पत्थर की बनी हुई है और इतना इसको दर्द हो रहा है बट स्टिल ये यहाँ पे बैठा हुआ है क्यों क्योंकि ये बाहर से दिखा रहा है कि मैं कितना पॉजिटिव और बहादुर हूं बट अंदर से ये ना खोखला इंसान है ठीक है इसके अंदर कुछ बाकी नहीं है और वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आप बाहर से शो कर रहे हो दैट आई एम पॉजिटिव आई एम गुड ठीक है बट यू आर नॉट गुड एंड पॉजिटिव ठीक है तो पॉजिटिव होना शुरू कर दीजिए इस अगस्त मंथ में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं लग रहा है ये कुछ बचे कुछ डेज हैं आपके क्योंकि आपने बिगाड़े हैं ये कर्म ठीक है और मैं क्या बोलूँ अब आपको देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या आता है हमारे पास कॉलिंग इन योर सोलमेट हाँ जैसा कि मैंने बोला था आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मेरा पार्टनर कैसे आएगा कब आएगा पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हम्म तो हो सकता है आपके आपके पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इसी वजह से इतना दुख हो रहा है आपको कि अगर वो चला जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा कैसे रह पाऊंगा लेकिन माई डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊ कोई भी इंसान चला जाता है ना तो जिंदगी नहीं रुकती हैं ठीक है तकलीफ जरूर होती है लेकिन जिंदगी नहीं रुकती हैं और अगर आप इतने नेगेटिव होकर के किसी को पुकारेंगे तो कोई नहीं आने वाला कोई भी नहीं आने वाला मैं फिर बता रही हूं आपको ठीक है तो पॉजिटिव होना शुरू कीजिए और देखिए आगे फिर क्या क्या होता है अबेंडेंस तो मे भी हो सकता है इस मंथ के जो कुछ डेज रह गए इनमें आप क्या करेंगे आप अपनी आ, करियर के ऊपर अपने मनी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अबेंडेंस आपको मिल सकती है फिर यहाँ पर हेल्पफुल पीपल गेस्ट तो आप ऐसे कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं जो आप जो कि आपको गाइड करें जैसे कि टैरो ट्रेडर्स होते हैं और गाइडेंस और मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह तो आप कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह सुन सकते हैं ऐसे रीडिंग्स देख सकते हैं जिनकी वजह से आपको पॉजिटिव महसूस हो कुछ ऐसे आ, पीपल्स के आप लोग हेल्प ले सकते हैं इन शॉर्ट जो कि आपकी पॉजिटिव रहने में मदद करे ठीक है उसके बाद है हमारे पास देआर समथिंग बेटर यस तो अगर आपका पार्टनर अभी आपके पास नहीं आ रहा है ठीक है तो हो सकता है इसके अंदर कुछ बहुत अच्छा निहित है ठीक है आएगा आपका पार्टनर लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है उसके बाद है हमारे पास इफ यू बिलीव यस तो अगर आप बिलीव करोगे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो ये है इन कार्ड का मोटिव फिर है हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग यस तो हर चीज जो है परफेक्ट टाइमिंग पे मिलती है हर इंसान को ये जो एस ऑफ कप्स आप पाना चाहते हो ना या फिर ये चाहते हो कि आप अपने पर्सन को ऑफर करो बट नहीं कर पा रहे हो और आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है और ये परफेक्ट टाइमिंग कब होगी हमें तो पता नहीं है एंजल्स को पता है लेकिन स्टिल हम पॉजिटिव तो रह सकते हैं ना हमें क्या करना होता है हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स बॉय को बोलना होता है ये हमें चाहिए और फिर उसके बाद पॉजिटिव और निश्चिंत हो जाना होता है कि हमें हमारी चीज है ये हमें मिल चुकी है माना मुंह से निकालने में ये शब्द बहुत आसान है बट जीवन में धारण करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन मुश्किल ही है ये ओनली ठीक है इम्पॉसिबल नहीं है आप कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकेंगे ओके तो आउटकम ऑफ दिस मंथ मैं ये कार्ड लेना चाहूंगी ठीक है तो थ्री ऑफ पेनिकल्स रिवर्स आया है तो यस हो सकता है कि इस मंथ भी आपको जो है अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनको इसी स्थिति में देखना पड़े और आ, हो सकता है आपका मनमुटाव हो बातचीत ना हो लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी पॉजिटिव रहिए देखिए कार्ड ही ऐसा आ गया ठीक है तो मैं बोलूंगी प्लीज़ पॉजिटिव रहिए खुश रहिए हमेशा अच्छे रहिए और अगर आप लोगों को मुझे पता है वीडियो तो पसंद नहीं आया होगा क्योंकि रीडिंग अच्छी नहीं आई है बट स्टिल अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली बार मतलब नेक्स्ट सेप्टेम्बर मंथ की रीडिंग में और मैं चाहती हूँ लियोज तब तक आपकी एनर्जीज बहुत हद तक क्लीन हो जानी चाहिए ठीक है लव यू बहुत सारा वाला बाय